क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आइए हम आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करें। आज का मनन चिंतन संत मती के अनुसार सुसमाचार के अध्याय 10 पद संख्या 16 से 23 तक लिया गया है। आज के सुसमाचार में प्रभु येसु, जो लोग प्रभु येसु का अनुसरण करते हैं, जो लोग प्रभु येसु के मिशन कार्य में अपने आप को समर्पित करते हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा। एक तरह से प्रभु येसु भावी संकट के बारे में हमें बताते हैं। प्रभु येसु कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूं, इसलिए तुम सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम पर आरोप लगाएंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। उनका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार मत करो, क्योंकि वह ईश्वर का कार्य है और पिता ईश्वर स्वयं तुम्हें तैयारी कराएंगे। पिता ईश्वर स्वयं तुम्हें बताएंगे कि क्या बोलना है, कैसे उनका सामना करना है। और प्रभु येसु आगे चेतावनी देते हैं कि भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु येसु के नाम के कारण हमें बहुत सारे संकट का सामना करना पड़ सकता है, और यही कड़वी सच्चाई है, यही कड़वा सच है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु येसु का अनुसरण करते हैं तो हमें तीन स्तर पर संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक, हमारे स्वयं के परिवार में, दूसरा हमारे स्वयं के समाज में, और तीसरा हो सकता है हमारे नगर में या हमारे आसपास के वातावरण, आसपास के बड़े परिवेश में। और ये स्वाभाविक है, ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि संत योहन के सुसमाचार में प्रभु येसु 16वें अध्याय में हमें बताते हैं कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, और इसलिए संसार तुमसे बैर करेगा। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें स्वीकार करता, तुम्हें अपनाता। और इसलिए अगर हम प्रभु येसु की शिक्षाओं पर चलते हैं, अगर हम प्रभु येसु को अपनाते हैं और प्रभु येसु हमको अपनाते हैं, तो जाहिर है कि संसार में और हम में बैर होना स्वाभाविक है। इसे प्रभु येसु ने स्वयं कहा है। और अगर संसार हमसे बैर करता है, अगर हमारे अपने लोग हमसे बैर करते हैं, तो ये इस बात का चिन्ह है कि हम सच्चे दिल से प्रभु की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। और अगर संसार हमसे बैर नहीं करता है, हम संसार जैसे ही हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत है कि क्या मैं सच्चे अर्थ में प्रभु की शिक्षाओं पर चल रहा हूँ, क्या मैं सच्चे हृदय से प्रभु की आज्ञाओं को मान रहा हूँ, उनका पालन कर रहा हूँ। आइए हम प्रभु से शक्ति मांगे कि चाहे कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, चाहे कितने भी संकटों का सामना करना पड़े, चाहे कितने भी विपत्तियों का सामना करना पड़े, हम प्रभु की शिक्षाओं पर डटे रहेंगे।